गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो माई सेल्फ मनीष जोशी वेलकमिंग यू ऑल योर सेकेंड चैप्टर नाउ. दैट इज़ अवर डेटा रिप्रेजेंटेशन. एज यू नो इन फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बिजनेस एंड इन फैक्ट मोस्ट अदर फील्ड्स ऑफ एंडेवर वी आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद क्वान्टिटीज. सो आर कंप्यूटर्स. आप जानते हैं हर जगह पर हमें कहीं ना कहीं क्वान्टिटी के साथ में काम करना होता है. क्वान्टिटीज आर मेजर्ड, मोनिटर, रिकॉर्डेड, मैनिपुलेटेड, अरिथमेटिकली ऑब्जर्व और इन सम अदर वे यूटिलाइज इन मोस्ट फिजिकल सिस्टम. हम चाहे छोटा सा छोटा कोई भी काम कर रहे हो दैनिक जीवन में भी, हर चीज़ में हम जाते हैं, चाहे मार्केट में हम सामान लेने जाते हैं तो कुछ क्वान्टिटी वाइज लेते हैं, और भी हम कुछ दूरी चल के गए तो भी एक क्वान्टिटी हम तय करते हैं, या और भी सारी चीज़ें हैं. कहीं ना कहीं कुछ मात्रा क्वान्टिटी चीज़ों में ही सारा काम होता है. तो अब जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ भी क्वान्टिटी ज़रूर होती है. डिजिटल सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर है, देयर द क्वालिटी आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल कॉल्ड डिजिट्स. तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटीज़ होती है हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको डिजिट से, नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. मैनी नंबर सिस्टम यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट रिप्रेजेंट द डिजिट इन वेरियस फॉर्म्स. ऐसे कई नंबर सिस्टम हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और डिजिट्स को कितना वेरियस फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से डिजिट को रिप्रेजेंट किया जाता है. लेकिन जो कॉमन तरीके हैं, द मोस्ट कॉमन आर द डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम. तो उसी को हम यहाँ पर जानेंगे डिटेल में कि डिजिटल नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है. तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम की ओर. डिजिटल नंबर सिस्टम, ओके, डिजिटल नंबर सिस्टम वेट डेसिमल नंबर सिस्टम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इन विच वी हैव 10 नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. एज यू नो मैथ, इन मैथमेटिक्स इफ यू टेक वी हैव ओनली 0 to 9 नंबर्स. गणित हम जो भी पढ़ते हैं हमारे पास होते नंबर 0 से 9 ही है, उसको हम आगे पीछा कर कर नंबर्स को बड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि सारा गणित हमारा 0 से 9 के ऊपर ही बैठा हुआ है. सो दिस डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9. इट इज़ नोन एज डेसिमल सिस्टम और डेका सिस्टम बिकॉज वी हैव 10 नंबर्स ओवरऑल. वी एक्सप्रेस द क्वान्टिटी ऑफ यूजिंग दिस सिंबल एज डिजिट्स ऑफ ए नंबर. तो जो हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नंबर को यूजिंग दिस सिंबल एज डिजिट्स ऑफ ए नंबर, तो हम इन सिम्बल्स को 0, 1, 2 को क्या करते हैं, इन सिम्बल्स को क्या मानते हैं, डिजिट्स ऑफ ए नंबर. ये जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बेसिकली दैट इज़ नोन एज बेस 10 सिस्टम. ये हमारे पास क्या है, बेस 10 सिस्टम. क्यों कह रहे हैं बेस 10, बिकॉज वी हैव 10 नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. अगर आप कैलकुलेट करते हैं, 0 को इंक्लूड करते हैं, 9 तक जाते हैं, तो हमारे पास टोटल जो नंबर होते हैं 10, इसलिए कहलाता है बेस 10 सिस्टम. देन यहाँ पर ये कैसे काम करता है इसको हम समझेंगे, इज अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम. जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल लिया, मैंने 8 to 9 एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एज डिजिट 8 रिप्रेजेंट द 800. क्योंकि जो 8 to 9 में क्या 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, 800, 2 रिप्रेजेंट करता है 2 tens एंड 9 रिप्रेजेंट 9 यूनिट्स. ये ऐसा होता है कि इसकी जो पोजिशनल वैल्यू होती है 100th में है, तो 8 into 100 आप करते हैं तो 800 हो जाता है, 2 into 10 करेंगे 20 प्लस 9 into 1, तो ओवरऑल इट बिकम्स 829. तो ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, क्योंकि इसमें इसकी 8 की पोजिशन 100th पे है, 2 की 10th पे है, 9 की 1 पे है, और इसकी डिजिटल वैल्यू क्या है जो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 8 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 9 into 1, इसको नीचे समझते हैं. अब मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी, MST, दैट इज स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. अब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को इन नंबर 8 to 9 एज 8 इज MSD. अब यहाँ पर जो मैंने नंबर आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं 8 to 9 की बात कर रहा हूँ, 829, यहाँ पर जो है इस नंबर में 8 जो है MSD कहलाया, बिकॉज MSD कैरीज मोस्ट वेट ऑफ 3 डिजिट्स. मतलब उन तीनों में जो सबसे अधिक वेट या कहने का मतलब जिसका वैल्यू सबसे अधिक होगी तो वो कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. तो इन केस में 8 to 9 में हमारे पास क्या है, मोस्ट वेट ऑफ नंबर इज 8 बिकॉज इट्स कैरी 800. लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अगर इसी की बात करें, इसमें सबसे कम वैल्यू है रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस नंबर में, इन केस ऑफ 8 to 9 एज 9 इज LSD कैरीज लीस्ट वेट ऑफ 3 डिजिट. क्योंकि यहाँ पर जो उसकी वैल्यू आ रही है केवल 9 आ रही है, इन 3 डिजिट्स में हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 8 पे आ रही है, 800, 9 पे सबसे कम आ रही है,
that is only single line. अब एक केस लेते हैं हम, एग्जाम्पल लिया हमने 2512, ओके, यहाँ पे इसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया, टू टेंस प्लस फाइव यूनिट्स प्लस 1/10 प्लस 2/100, द डेसिमल पॉइंट इज यूज टू सेपरेट द इंटीजर एंड फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ द नंबर। जो हमने डेसिमल लिया है 25.12 में, तो डेसिमल पॉइंट्स क्या करता है, ये सेपरेट करता है कि इंटीजर है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर पार्ट है और राइट हैंड साइड में उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो उसको एक बड़े नंबर की तरह पे हम लेते हैं, तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, मैंने एक नंबर लिया है 2552512.1971। इस केस में इसको जो रिप्रेजेंट किया गया है, तो टू जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट में MSD, तो ये है 2 × 10³, क्योंकि 10 की पावर, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, 10 बेस है, हम 2 से शुरू करते हैं यहाँ, तो ये पावर 0 से शुरू होगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। तो यहाँ पे जो नंबर रिप्रेजेंट होगा 2 × 10³ प्लस 5 × 10²² प्लस 1 × 10¹ प्लस 2 × 10¹₀। और राइट हैंड साइड में हमारा कैसे होगा, फ्रैक्शन पॉइंट में ये माइनस पावर उसकी बढ़ती जाएगी, तो प्लस 1 × 1 × 10⁻¹ प्लस 9 × 10⁻², प्लस 7 × 10⁻³, प्लस 1 × 10⁻⁴। इन जनरल एनी नंबर इज सिंपली द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच डिजिट वैल्यू एंड पोजिशनल वैल्यू। चाहे हम मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर पढ़ते हैं, बेसिकली वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच डिजिट वैल्यू। डिजिट वैल्यू मीन्स जैसे यहाँ पर 2 है, 2512, तो इसकी डिजिट वैल्यू तो 2 है, लेकिन इसकी पोजिशनल वैल्यू की बात करते हैं तो ये इसकी पोजिशनल वैल्यू 1000 है। तो यहाँ पर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, क्योंकि ये कैरी कर रहा है 2 × 1000, 2000 की वैल्यू, और यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी 1 होगी, ये 1 × 10⁻⁴। तो आप सोच सकते हैं ये माइनस में है, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू यहाँ पर ये 1 दिखाएगा। ओके, सो दिस इज नंबर इज रिप्रेजेंटेशन इन डेसिमल सिस्टम। नाउ विल लर्न इन बाइनरी। अब बाइनरी नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको नंबर समझना होगा कि बाइनरी क्यों कहते हैं उसे। बेसिकली बाइनरी द डेसिमल सिस्टम डज नॉट लैंड इट्सेल्फ टू कन्वीनियंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम कह रहा है कि इतना कन्वीनियंट नहीं है, किसके लिए, डिजिटल सिस्टम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके लिए। व्हाई, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सो दैट इट कैन नॉट वर्क विथ 10 डिफरेंट वोल्टेज। क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में हमारे पास वोल्टेज होती है, तो हम उसको अलग अलग लेवल 0 से 9 में नहीं दिखा सकते, कह रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इट इज़ वेरी इजी टू डिज़ाइन सिंपल एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट विथ ओनली 2 वोल्टेज लेवल्स। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दिखाने के लिए हमें केवल 2 वैल्यूज़ की जरूरत होती है। फॉर दिस रीजन ऑलमोस्ट एवरी डिजिटल सिस्टम यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज बेस 2, बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली 2 वैल्यू और 2 नंबर्स एज द बेसिक नंबर सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। ऑल दो अदर सिस्टम ऑफन यूज इन कंजेक्शन विद बाइनरी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कह रहे हैं बाइनरी तो हम यूज़ करते हैं, उसके साथ कुछ अलग सिस्टम और अलग फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं बाइनरी के साथ में। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ओनली 2 सिम्बल्स और पॉसिबल डिजिट वैल्यू 0 एंड 1। बाइनरी में केवल हमारे पास केवल 2 सिम्बल या 2 डिजिटल वैल्यू होते हैं, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1। दिस बेस 2 सिस्टम कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी क्वान्टिटी इन डेसीमल और अदर नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, दिस इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम ही होता है, वेर इन ईच बाइनरी डिजिट हैज इट्स ओन वैल्यू, उसकी अपनी वैल्यू होती है और वेट एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 2। तो उसकी जो डिजिटल वैल्यू वो होगी और उसकी जो पोजिशनल वैल्यू और वेट एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 2, क्योंकि वहाँ हम 10 के पावर पर पढ़ रहे थे, यहाँ हम 2 की पावर पर पढ़ेंगे, क्योंकि बेस हमारा क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं जो मैंने आपको लिया है इस फिगर में, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी चीज़ को मैं आगे कैरी करता हूँ अपने दूसरे लेक्चर में। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर इन द पावर ऑफ 2। इन बिटवीन आई हैव शोन दिस बाइनरी पॉइंट इन ऑन द राइट हैंड साइड, एवरीथिंग विल बी एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 2 इन माइनस फॉर्म। ओके, सो आई एम टेकिंग यू अहेड इन माई नेक्स्ट लेक्चर, सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड नाउ वी आर मूविंग विथ बाइनरी सिस्टम अहेड। थैंक यू।